अगले आधे घंटे में आप देखेंगे। हेलो पुलिस, आखिर क्यों पता दी ने घुमाया पुलिस का नंबर? शक है शायद वो बरेली के बाजार में गिर गया हो। क्या टच कर गया टंग ना के इनर कोर ऑफ हार्ट को? इट डीपली टच माय इनर कोर ऑफ हार्ट माइंड एंड सोल किडनी इंटेस्टाइन एवरीथिंग। किसके आंसुओं की बाढ़ में डूबी मारा खान? अभी तभी इतना रोए कि आंसुओं की बाढ़ आ गई है। आइए बढ़ते हैं हमारे स्टूडियो की ओर। पर केविन, तुम्हें ये शो करना अच्छा लगता है, फिर क्यों करते हो? पापी पेट के लिए। और तुम? मैं कुसी वर्सेस जिमी कू लुइस विटॉन बेबे इन सबकी फर्स्ट कॉपी के लिए, क्योंकि ओरिजिनल जितने तो ये पैसे नहीं देते ना। शो शुरू कर मेरी माँ। मेरे बारे में पता है पर तुम्हारे बारे में तो बताना पड़ेगा ना। This is कविंदर वे कुर्ला रोड बैंड्रा से होते हुए सैंड्रा क्रूज वाले ब्रिज की गली छोड़कर तीसरी गली से लेफ्ट फर्नांडिस जी के बाजू वाले फ्लैट में रहने वाला इंसान है ये, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है फन तना टन टन। जी हाँ, बिल्कुल वही शो जिसमें ये करती है फालतू की बकवास और मैं देता हूँ आपको फिल्मी दुनिया की क्लासी न्यूज खास। शो शुरू करें। जिस शो को देखने के बाद लोग इसको बोलते हैं डम्बो डम्बो डम्बो। शो शुरू करें। जिस शो में इसकी बकवास सुनने के बाद मैं रोने लगता हूँ। मुझे सब पता है तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, कभी सोचा नहीं था मैंने तुम टमाटर और कांदे के लिए ऐसे करोगे, इतना गिर जाओगे तुम। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? तुम मेरे बारे में इसलिए बुरा बोल रहे हो ताकि लोग गुस्से में तुमको टमाटर और कांदा फेंके और तुम्हें फ्री में सब्जी मिले, तुम्हारे घर का खर्चा ऐसे निकल आए। तुम मेरा मिस यूज कर रहे हो। मेरी मिस? अपने ब्रेन को यूज कर और आगे बढ़। देवगन ने किया खुलासा कि एक्शन जैक्सन फ्लॉप होने की वजह आमिर खान की फिल्म धूम 3 थी। दोनों की स्क्रिप्ट सेम थी इसलिए शूटिंग के दौरान एक्शन जैक्सन की स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी। हुआ, मतलब कि पूरी कहानी चेंज कर दी फिर भी फिल्म ऐसी थी। मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मुझे इस पर रिव्यू ही नहीं देना चाहिए। सुगु तू बोल तेरा टेक। नहीं नहीं मैं क्या बोलूं, ये शो तो तुम्हारी वजह से हिट है ना, मैं तो बस ऐसे ही। Sugu, you are seven star host with eyelashes, waxed baju, superb suit, hot look. Wow. पीके को पीछे छोड़ते हुए बजरंगी भाईजान बनी 100 करोड़ कमाने वाली सबसे तेज फिल्म। अगर ऐसा ही रहा तो 300 भी जल्द हो जाएंगे। What, yeah? What big deal? Dude, 300 करोड़ ग्रॉस नहीं, नेट। By God, कभी तो पागलों वाली बातें किया करो। लेवल यू नो लेवल मैच। बजरंगी भाई जान देखने के बाद रो पड़े आमिर खान। उन्होंने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा कि अब तक की ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। वाओ, इसको बोलते हैं कंपटीशन से भरा हुआ कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये सल्लू भाई की बेस्ट थी, मतलब उनकी दूसरी फिल्म में हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, कुछ कुछ होता है, सब नल्ली। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर जिसमें हमारी वन एंड ओनली पता दी करेंगे हमारा पथ भ्रष्ट। ओए, पथ भ्रष्ट नहीं होता है, पथ प्रदर्शन होता है। पथ प्रदर्शन नहीं होता है, दूरदर्शन होता है। कितनी बार बोला घर में टीवी ले लो। ओए ओवर एक्टिंग, आगे बढ़ो। तो सुरों को जगाइए, ताल से ताल को मिलाइए, आ गई है पता दी, जोर से ताली बजाइए। दीदी ये लालटेन से क्या ढूंढ रहे हो, मैं हेल्प कर दूं? बेटा सुरो को ढूंढ रही हूँ, बड़े दिन हो गए इन्हें सुने हुए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। दीदी सुर कहाँ जा सकते हैं, गानों में ही होंगे। तुम सुरों की बात कर रही हो, आजकल के गानों में तो सिंगर्स भी नहीं होते, और जो होते हैं उनसे सुर नहीं लगते। इन सिंगरों से अच्छा तो हमारा मुर्गा ही है जो आज भी सुर में बांग देता है, कुकुड़ो। खैर मुर्गे से याद आया कविन, अरे आज चुप क्यों बैठा है बेटे, कहीं जीभ तो नहीं सूज गई तुम्हारी? मैं नाराज हूँ आपसे। हैं? नाराज क्यों? जाइए ना, बात कीजिए आपके बादशाह से, उसे ही पूछ लीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो?
अच्छा तो फिर ठीक है, मैं सुगु बेटी से ही बात कर लेती हूँ। नहीं 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 दीदी, आई एम ऑल ओके, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ। आप बस ये बताइए कि न्यू सॉन्ग नच्चे फर्राटे मार के आपको कैसा लगा? भाई मैं तो खराटे मार के सो गई। खैर ये बताओ कि फर्राटे मार के नाच कौन रहा है आखिर? दीदी सोनाक्षी सिन्हा। हाँ हाँ हाँ, ये उम्मीद नहीं थी मुझे सोनाक्षी बेटी से। भाई ये गाना सुनने के बाद तो मैं एकदम खामोश ऐसे हो गई। बेटा फोन देना। ये लीजिए। अच्छा यहाँ से दे रहे हो, ये ले रिटर्न गिफ्ट। मेरे ही गाने का कॉलर ट्यून लगवाया है। हेलो पुलिस। हाँ नमस्कार। सही पहचाना सही पहचाना, मैं पता दीदी ही बोल रही हूँ। लेकिन इस समय मैं बहुत निसहाय हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि सुर कहाँ है। शक है शायद वो बरेली के बाजार में गिर गया हो। हाँ झुमका भी वही गिरा था ना। हाँ वही तो, मैं भी कितनी बार कहती हूँ भाई अगर बीट सॉन्ग बनाना है तो तबले और ड्रम को अच्छे से बीट करके मिक्सी में चला के फिर बनाया करें, ये आजकल के बच्चे हैं ना। अच्छा देखिए अगर आपको पता चले तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, धन्यवाद। वाह दीदी, सुर गुम हो गए हैं तो आपने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। वाह दीदी, व्हाट अ स्टैंड, व्हाट अ स्टैंड। ये स्टैंड नहीं है, ये लालटेन है। तो आप इसे कितने सारे गमप्पा देंगी? देखो भाई ये गाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं एकदम टूट गई हूँ, टूट के चूर हो गई हूँ। तो इसलिए मैं इन्हें एक सा दूंगी और जिस दिन ये मुझे मिले मैं इन सब के सुर सेट कर दूंगी। धन्यवाद दीदी। दीदी दीदी ये आपका। दीदी मेरा फोन। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तो आ ही रही है, ले आएंगी। वैसे भी तुम्हारे फोन में कौन सा बैलेंस होता है? यार सुनो, वैसे दीदी आज थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही थी ना। पता नहीं, मेरे को तो बस स्वीट लगती है। और अब वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। कोई है जो इस बच्ची को उसके घर तक पहुंचा सके? चोटी नाड़ी कुर्ती यन्ना, किसने याद किया रजनी को? सुगु कैसे लग रहा हूँ मैं? एकदम गोभी का फूल, ये गोभी और ये फूल। ऑफिस मत लाना। और अब बारी आ गई है मेरे फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि मेरे फेवरेट एक्ट्रेस टंगना अजावत जी को बुलाने की, जो कि रिव्यू देंगी फिल्म मसान पर। यार सुगु तुझे पता है यार मसान ने ना आग लगा दी, आग 4.5 स्टार्स। 4.5? टंगना जी आपका स्वागत है। Hi, I'm in Hollywood. What? Let's talk about the movie. So actually, I saw the movie Fly Away Solo. It deeply touched my inner core of heart, mind and soul. Kidney, intestine, everything is just immersed in love with Masan. No words for the movie. Clap. Tangna ji, jo aapne bola hai na, मतलब वो ऐसे कमाल का है, मतलब मैं तो कहती हूँ कि ब्रैड पिट को भी फेल कर दिया आपने। ब्रैड तंगना जी आज आज इतनी इंग्लिश क्यों? क्योंकि मसान फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में तारीफ की। आपको कैसी लगी मसान फिल्म? बेहतरीन फिल्म, मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैं अपने सारे अवार्ड उस छोटे से बच्चे को देने लगी थी जो गंगा में गोते लगाकर पैसे लाता है ना, वो बच्चा। लेकिन फिर वो बच्चा बीमार हो गया, फिर मैंने सोचा कि उस कॉलेज वाली क्यूट सी लड़की को दे दूं, लेकिन फिर वो चल बसी। फिर मैंने सोचा कि विकी कौशल को ही दे दूं, लेकिन लड़की के मरने के बाद वो तो इतना रोया, फिर मैंने सोचा कि इस रोंदू को अवार्ड क्या देना। फिर मैंने सोचा कि अवार्ड ऋषभ चड्ढा को दे दूं, लेकिन लड़की होके ऐसे काम करने गलत बात है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझसे सीखो यार, मैं तुम में अकेले ही हनीमून मना कर आई थी, हालांकि मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि ये अवार्ड मैं अपनी सबसे बड़ी फैन सुगंधा मिश्रा को दे दूं, क्योंकि तुम मेरे फुट मार्क्स पे चलती हो, यू ट्रूली डिजर्व इट। कांग्रेचुलेशंस। तंगना जी कहानी के बारे में कुछ बताइए। तो इतनी देर से बता रही, तो यही तो सॉरी यही तो कहानी थी। एक्चुअली क्या है,
कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये थी कि फिल्म में मेन रोल किसका है। पहले लगा कि देवता चड्ढा का है, फिर लगा कि विक्की कौशल का होगा, फिर वो छोटा सा बच्चा था ना, और लास्ट में कम फिर लगा कि उस छोटे से बच्चे को दे दूं। लेकिन फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि फिल्म की मेन कहानी हीरो है और स्क्रिप्ट हीरोइन। तो टंगना जी, इस फिल्म में आपको अलग क्या लगा? अलग बहुत कुछ था यार। एक्चुअली इस फिल्म में इंटरवल नहीं था। इंटरवल की जगह वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, रहने दो, मध्यांतर। ये कौन सा नया हीरो है? इंटरवल को मध्यांतर बोलते हैं हिंदी में। तो टंगना जी, आप इसे कितने शॉट्स देंगी? फिल्म की स्टोरी को देखते हुए मैं इसे देना चाहती हूँ 5 शॉट्स, लेकिन एक शॉट मुझे अपने लिए भी रखना है क्योंकि बिना शॉट के मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं इसे दूंगी पूरे 4 शॉट्स। 4 शॉट्स? लास्ट टाइम बजरंगी भाईजान को भी 4 शॉट्स दिए थे। तुमने देखी थी बजरंगी भाईजान? हाँ यार, बजरंगी भाईजान ने वो छोटी सी लड़की के लिए कितना कुछ किया ना उस पिक्चर में। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात बोलूं, अगर दूसरे भाईजान होते ना तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे भाईजान कौन पैदा हो गए? रे, दूसरे भाईजान वो पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। प्रकट मतलब? ये देख, शांत हो जाओ बालिके, मत रो। तुम इस समय श्रीदेवी की गोद में हो और श्रीदेवी जानती है कि तुम अपने घर से बिछड़ गई हो। नहीं बालिके, नहीं। कोई है? कोई है जो इस बच्ची को उसके घर तक पहुंचा सके? हिच्चोटी नाली कुर्ती यन्ना, किसने याद किया रजनी को? स्वयं श्रीदेवी ने। रजनी भाई जान, आपकी लीला अपरंपार है, अलौकिक है, आप तो अंतरिक्ष से भी ऊंचे हैं। Enough. आप Come to the point. रजनी भाई जान, ये बच्ची बहुत परेशान है, हाथ नीचे कर ले बेटा। ये अपने घर से बिछड़ गई है, इसे इसके घर तक पहुंचा दीजिए। जरा सोचिए इसकी माँ कितनी दुखी होगी। अम्मा, माँ का दुख रजनी देख नहीं सकता। मैं ये छोकरी को उसके घर लेके जाएगा। रजनी भाईजान जिंदाबाद, सारे बोलो जिंदाबाद, रजनी भाईजान की जय 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 जय। हे गुड़िया, तेरा घर किधर है? देख वो है क्या? अम्मो है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तुम्हारा बेटी घूम गया है? अभी 1 सेकंड में आता है। खोल दो, सारे बॉर्डर खोल दो, लेकिन उससे पहले टॉयलेट के दरवाजे खोल दो क्योंकि रजनी भाईजान ने खाना खा लिया है। यन रास्कला, माइंड इट। डैंड्रफ उड़ रही है यार। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यार ये भंसाली भी ना दो चीजें उड़ानी कभी नहीं भूलता, एक तो फिल्म के डायरेक्टर्स के तोते और दूसरा ये गुलाल। वेलकम बैक 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 टू योर वन एंड ओनली शो फन टन 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 टन। और अब वक्त हो गया इस शो के सबसे खतरनाक सेगमेंट का। खतरनाक क्यों? क्योंकि बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर हुआ है लॉन्च और हमारे वीर सुंदर सुशील बाकी छोरे कविन दवे लेंगे रिव्यूज अपनी शांत प्रिय परमाणु बम से भी ज्यादा एनर्जी से, लेस महाराज जी से। महाराज जी? मैंने कहा ओ महाराज जी। महाराज जी, ये अब कहाँ है? मेरा गाना गाने का मन कर रहा था प्यार की कश्ती में, देख नहीं रहा है पानी में फंसी हुई हूँ। लेकिन आप फंस कैसे गई? अबे वो क्या है ना, पूरी इंडस्ट्री ने प्लान किया था कि सब मिलके बजरंगी भाईजान देखने चलते हैं। अभी सभी इतना रोए कि आंसुओं की बाढ़ आ गई है। और सबसे ज्यादा ये अमीर रोया, इतना रोया कि इसने चीरा पूंजी का चीरा अलग कर दिया और पूंजी अलग कर दी और सारी जमा पूंजी प्रोड्यूसर लेगा। तो आपको बजरंगी के किस सीन में सबसे ज्यादा रोना आया? अरे मुझे तो बस एक ही बात पर रोना आया,
कि ऐसी स्टोरीज पर जब गिरीश फिल्म बनाता है तो फिर चलते क्यों नहीं है यार? अच्छी बात है, फिलहाल तो आप चप्पू चलाई, आज तो गई मारा पानी में। यार बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर रिव्यू किसी और से ले लेते। अबे क्या कर रहा है तू, किसी और से ले लो का मतलब क्या है? मार्केट में एक तो मेरे को फिल्म नहीं आ रही है, ऊपर से तो ट्रेलर रिव्यू भी नहीं लेगा, तो मैं मार्केट में बनी कैसे रहूंगी? जल्दी रिव्यू ले नहीं तो। क्या बात है यार, ये तीनों मेरे फेवरेट है, मैं इनके साथ काम करना चाहूंगी। दीपिका, प्रियंका और रणवीर के साथ? नहीं बे, ये घोड़े तीर कमान और झंडे के साथ। वो एक्चुअली इनके साथ मैंने आज तक कभी काम नहीं किया है ना, गधों के साथ तो बहुत काम किया। क्या बात है यार, क्या एक्टिंग किया लोगों ने। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मेन एक्टर्स जो है वो खामोश है, तभी तो क्राउड की तारीफ करनी पड़ रही है। मतलब क्या वेरिएशन में शो डाला यार, वेरी गुड। यार ये भंसाली भी ना दो चीजें उड़ानी कभी नहीं भूलता, एक तो फिल्म के डायरेक्टर्स के तोते एक्सक्लूडिंग मी, और दूसरा ये गुलाल। थैंक गॉड मतलब कुछ तो सुनने को मिला। और करो तुम लोग ऐसे डायरेक्टर के साथ काम, मतलब खुद तो बोलता ही नहीं है, ऊपर से ट्रेलर में अपने एक्टर्स को भी बोलने नहीं दिया। तो महाराज जी आप इस ट्रेलर को कितने फटके देंगी? मैं इस ट्रेलर को दूंगी पूरे 4 फटके, क्योंकि भाई इतने अच्छे विजुअल्स हैं, मेकअप इतना अच्छा है, कॉस्ट्यूम इतना अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है गुलाल का रंग लाल बहुत अच्छा मुझे लगा। और इसके साथ दूंगी मैं पाकी सावंत का वीडियो लिंक कि भाई बिना बात के कैसे बोला जाता है कुछ सीखो, और तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी स्टोरी भी है, फिर भी यार कुछ तो सुनाओ यार ट्रेलर में यार, व्हाट इज दिस। तो ये था हमारी एक्सपर्ट मारा खान जी का रिव्यू बाजीराव मस्तानी के ट्रेलर पर, और अब वक्त है कानों में कॉटन डालने का। तो आइए अब जानते हैं हमारे बाबा यूनिवर्स से कि बॉलीवुड में ग्रहों की क्या दशा चल रही है। मैं हूं बॉलीवुड का एस्ट्रोलॉजर पंडित यूनिवर्स। धोनी की बायोपिक में काम कर रहे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की राशि में धोनी राहु बनकर बैठ गया है, आर्थिक कारणों से फिल्म रुक गई है। सुशांत तेरे लिए उपाय है, एक डार्क ग्रीन रंग की भैंस के अंडे का ऑमलेट बनाकर धोनी को 3 बार चढ़ा, कृपा हो जाएगी। डायरेक्टर कुणाल कोहली यह मत समझ कि ज्योति कपूर नामक ग्रह को 25 लाख रुपए देकर तू दूर कर सकता है। अरे तू और भी आगे फिल्म बनाएगा, और भी राइटर आएंगे जो तेरे पे शनि बनकर बैठने वाले हैं। इसके लिए उपाय है 11 राइटरों को भोजन पान करवा बृहस्पतिवार के दिन, 3 तो इसी शो से तुझे मिल जाएंगे, जा कृपा बनी रहेगी। हेलो पंडित जी, मैं श्रद्धा कपूर बोल रही हूँ। कैसी हो? पापा को बुलाऊं क्या? बता तेरा प्रॉब्लम क्या है बच्चा। पंडित जी रॉक ऑन 2 हिट हो जाएगी ना? रॉक ऑन 2 जरूर हिट होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें लौंग इलायची और नींबू का हार अपने रूम के बाहर बांधना होगा। बोल हेलो, कौन बोल रहा है? पंडित जी रेमो बोल रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से मेरी फिल्म ABCD2 हिट हो गई। वो तो मैंने पहले ही कहा था, और कुछ? वो क्या है पंडित जी, अपनी अगली फिल्म में मैं सलमान को कास्ट करना चाहता हूँ। अत्यंत कठिन है। हेलो, लगता है फोन कट गया। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो मन में जाप करे, कष्ट दूर हो जाएंगे। चलो बाय। यार आई मिस भूगोल सिंह जी। भुगू, तुमने मौसम का हाल बेहाल करने के साथ साथ मेरा भी हाल बेहाल कर दिया। ये भी कोई बात हुई, ट्रेलर दिखाई और पिक्चर रिलीज ही नहीं की, ये कहां का इंसाफ हुआ? मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? ये तो सरासर ना इंसाफी है। क्या बोल रही है? कितनी बार का बाल कटवा लिया करो। तुम्हारा बेटी घूम गया, अभी आते एक सेकंड में। फोर शॉट्स यार, लास्ट टाइम बगजी जी बच्चे की। अपना अपना पापा दे करो, बात किसी जगह।
अपने पैसे देते रह जाते हैं।